गोरखपुर में दरोगा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरोगा वीरेंद्र यादव लखीमपुर के जिला कारागार में प्रधान बंदी रक्षक के पद पर तैनात थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने पड़ोस की विवादित जमीन से मात्र 4 टोकरी मिट्टी लेने कुछ लोग गए थे। एक पड़ोसी के विरोध के बाद वीरेंद्र भी वहां पहुंच गए और मारपीट में ही उनकी जान चली गई। जी आपको बता दें, अभी चंद दिनों पहले ही वह ओपन हार्ट सर्जरी कराए थे। इस वजह से मौत की वजह हार्ट अटैक का आना भी बताया जा रहा है, क्योंकि शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं है, लेकिन पुलिस ने भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना सहजनवा इलाके के भीटी रावत की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने इस मामले में हत्या मारपीट बलवा का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सहजनवा इलाके के भीटी रावत गांव में दरोगा वीरेंद्र यादव और उनके पड़ोसी सत्यपाल के मकान के बीच में एक जमीन है। यह जमीन विद्यालय की बताई जा रही है, लेकिन दोनों ही इसे अपना बताते हैं। एक साल पहले जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ही सत्यपाल यादव के लोगों ने एक ट्राली मिट्टी उस पर गिरवा दी थी। अभी उस पर कुछ काम कराना बाकी था। इससे पहले ही विवाद हो गया, फिर ना तो आगे मिट्टी ही गिरी और ना ही कोई काम हो सका। तभी से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि सत्यपाल के घर पर कुछ काम चल रहा था, जिसके लिए कुछ मिट्टी की जरूरत थी। इसी वजह से शनिवार को सत्यपाल के घर के लोग 4 टोकरी मिट्टी लेने के लिए पहुंचे थे। 2 लोगों में धक्का मुक्की देख वीरेंद्र भी पहुंचे, 2 टोकरी मिट्टी लेकर चले भी गए थे। लेकिन तभी वीरेंद्र के पड़ोसी को इसकी जानकारी हो गई। वह मौके पर जाकर मिट्टी ले जाने से मना करने लगे। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की होने लगी। जानकारी होने पर वहीं मौजूद वीरेंद्र यादव भी पहुंच गए और मिट्टी ले जाने का विरोध करने लगे। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दरोगा वीरेंद्र यादव कि अभी हाल में ही ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जमीनी विवाद के बाद वो मौके पर गए थे, वहां उनकी सांस फूलने लगी थी, जिससे उनकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों के तहरीर पर अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कल थाना सजनवा के गाँव बीटी रावत में दो पक्षों के मध्य मिट्टी उठाने को लेकर विवाद हो रहा था। इस विवाद को शांत करने के लिए गाँव के ही श्री वीरेंद्र यादव मौके पर आए, बीच बचाव करने लगे। इसी बीच उपचार करने उनकी सांस फूलने लगी, जिसके बाद उनके परिजन उनको अस्पताल ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र यादव जी ने 27 फरवरी को ही अपना हार्ट का ऑपरेशन कराया था और उनको पेसमेकर लगाया था। परिजनों की तहरीर 302 व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर कोई मार्क ऑफ इंजरी नहीं है और उनका बिस्तर प्रिजर्व किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।